हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है सेवई की खीर। इसे आप बहुत ही आसान तरीके से घर पे बना सकते हैं और ये बहुत ही झटपट बन जाने वाला स्वीट डिश है। इसे आप जब मन करे तब बना सकते हैं और ये खाने में बहुत ही यम्मी है। इसे एक बार आप जरूर ट्राई करें। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब इसमें हम 2 चम्मच देसी घी ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे रिफाइन ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। घी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम सेवइयाँ ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैं पतला वाला सेवई ले रही हूँ जिसको मैंने तुर लिया है। अब इसे मीडियम फ्लेम में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। इसे बीच बीच में चलाते रहें, नहीं तो सेवई जल जाएगा। सेवई गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम मिल्क ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैं 1 बड़ा कप बॉइल मिल्क ऐड कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसमें उबाल आने तक इसे पकने दें। इसमें उबाल आ चुका है, अब इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे जिससे कि हमारा खीर थोड़ा सा और ठीक हो जाए। 3 से 4 मिनट हो चुका है, देखिए हमारा खीर भी ठीक हो चुका है। अब इसमें हम इलायची ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैं 2 इलायची ऐड कर रही हूँ जिसको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया था। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब यहाँ पर शुगर भी ऐड कर दें। यहाँ पर मैं 1/2 कटोरी शुगर ऐड कर रही हूँ। आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 2 चम्मच और ऐड कर सकते हैं। अब इसे मिक्स कर दें। देखिए अब हमारा सेवई रेडी है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैं काजू और किशमिश ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे गैस ऑफ कर दें। सेवई की खीर रेडी है, अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। आप इसे गर्मा गर्म या ठंडा करके सर्व कर सकते हैं। देखिए कितना यम्मी खीर बना है और ये खाने में भी बहुत यम्मी है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे मेरे आने वाली नेक्स्ट रेसिपी की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।